अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल हुए 2 साल हो चुके हैं। उनके साथ आए हजारों कार्यकर्ता भी खुश हैं। उनको भी संगठन से लेकर निगम व मंडलों में पदों से नवाजा गया है। सिंधिया के आने के बाद अब ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा 2 भागों में बढ़ती नजर आ रही है। एक सिंधिया समर्थक भाजपा है तो दूसरी मूल भाजपा। इस विवाद की गहराई का पता एक दिन पहले उस समय लगा जब खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एयरपोर्ट पहुंची थी। यहां उनके स्वागत में पहुंचने वाले सिंधिया समर्थक भाजपाई थे। यहां यशोधरा राजे ने पूछ लिया कि पुरानी भाजपा से कोई नहीं आया। इस पर सिंधिया समर्थकों का कहना था, अब तक हम भी आपके लिए ही हो गए हैं। उस समय तो सभी ने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन खेल मंत्री के बोल बड़ा सवाल खड़े कर दिए। इस पर कांग्रेस का भी बयान आया। कांग्रेस का आरोप है कि ग्वालियर में बीजेपी 2 खेमों में बट गई है, एक सिंधिया भाजपा और दूसरी मूल भाजपा। ग्वालियर में 2 साल पहले हजारों सिंधिया समर्थक भाजपा में शामिल हुई, तभी से भाजपा में 2 खेमे बन गए। मूल भाजपाई और सिंधिया समर्थक भाजपाई सिंधिया समर्थकों को टिकट वितरण से लेकर निगम मंडलों में पदों पर ताजपोशी से दोनों खेमों में खाई बढ़ती चली गई। यह खाई निचले स्तर पर ही नहीं बल्कि ऊंचे पदों पर बैठे नेताओं के बीच भी देखने को मिल रही है। हाल में इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली। एक दिन पहले प्रदेश के खेल मंत्री व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे एयरपोर्ट पहुंची। यहां उनका स्वागत करने पहुंचे कार्यकर्ताओं को देखकर उन्होंने पूछा, पुरानी बीजेपी के लोग नहीं दिख रहे हैं। यह सच भी था। ना उनके स्वागत में भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी थे, ना पूर्व अध्यक्ष कमल माखी जानी, और भी बड़े नेता नहीं थे। यशोधरा के मुंह से यह सुनकर स्वागत करने पहुंचे सिंधिया समर्थक हक्के बक्के रह गए। कुछ देर के बाद वह बोले, अरे अब तो हम भी आपके ही हो गए हैं बुआ जी। यहाँ फिर यशोधरा बोली कि बुआ जी नहीं, मैं यशोधरा राजे सिंधिया हूँ। यशोधरा राजे सिंधिया के इस तरह पूछने के बाद एक बार फिर अंचल में सिंधिया समर्थकों और मूल भाजपा के बीच की खाई नजर आई है। इस पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद 2 खेमे बन गए हैं, मूल भाजपा व सिंधिया समर्थक भाजपाई। इसमें सिंधिया परिवार, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या यशोधरा राजे सिंधिया, इनसे मूल भाजपा का कार्यकर्ता नजारा है और दूर होता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद उनकी वो यशोधरा राजे सिंधिया को भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उनकी जगह को भी खतरा है। सिंधिया के कारण भाजपा का मूल कार्यकर्ता उनसे खिसक रहा है। यही कारण है कि उनके स्वागत में एक भी मूल भाजपाई नहीं पहुंचा था। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के दौरान सिंधिया समर्थक भाजपाई मधुलिका ने जब यशोधरा राजे को बुआ जी कहकर प्रणाम किया तो उन्होंने उंगली दिखाकर समझाइश दी कि मैं बुआ जी नहीं, यशोधरा राजे सिंधिया हूं। देखिए, जब मंत्री महोदया निरीक्षण के लिए पहुंची वहां पर एयरपोर्ट टर्मिनल पे, जो उनकी माता जी के नाम से है, तो जो मूल भाजपाई था वो तो एक नहीं दिखा उनके साथ। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो तो भाजपा से ही आती हैं। आज उनके भतीजे जरूर आयातित भाजपाई लीडर हो गए हैं। इसका अर्थ यह कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार से मूल भाजपाई जो है वो खिसक रहा है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश की भाजपा में है कि एक ओर सिंधिया भाजपा है और दूसरी ओर मूल भाजपा है, तो ये आपस में रस्सा कसी हो